नमस्कार बच्चों, मैं इंजीनियर मार्थ अग्रवाल सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनडीए एयरपोर्ट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिसका एक सेशन आप लोगों ने कल अटेंड किया। क्वेश्चन मैंने 15 कराए थे, पर शायद 7 या 8 क्लास के बाद वॉइस में कुछ क्रैकिंग हुई, जिसकी वजह से आप बाकी के सेशन में क्वेश्चन को समझ नहीं पाए होंगे, पर फिर भी सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से विजिबल था। तो मैं समझ के चल रहा हूं कि 15 क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आया होगा। पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये सेशन जिस समय आप देख रहे होंगे उसके बाद आपको पीडीएफ इसका मिल चुका होगा। तो उन क्वेश्चन को फिर से खुद से करना, कोई दिक्कत आए तो मुझे पर्सनली आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो बिना टाइम वेस्ट कर दो, सेशन लाइव नहीं चल रहा है, ये स्ट्रीमिंग में क्रिएट कर दूंगा। स्ट्रीमिंग पे आप जिस समय देख रहे होंगे वो सेशन लाइव नहीं होगा, तो आप कमेंट करेंगे तो कमेंट का हो सकता है एंड टू एंड आपको रेस्पॉन्स ना मिले, पर क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का और पूरे सेशन का क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़ लें। एक बार पढ़िए फटाफट से 16वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कमेंट आपको जरूर करना है, क्योंकि कमेंट तो आप कर ही सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। आज के सेशन का भाई 16वां क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑब्टेंड ऑन ज्वाइनिंग 7 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में 7 पॉइंटों से कितनी लाइनें बनाई जा सकती है। एक प्लेन के अंदर 7 पॉइंट्स हैं, उससे कितनी लाइनें बनाई जा सकती है। अच्छा, लाइन बनाने के लिए सर हमारे पास ना 2 पॉइंट होने चाहिए, ये बात तो सभी को समझ में आ रही है। कोई भी लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए। अब मैं 7 पॉइंट से कितनी लाइनें बना सकता हूं, तो सर 7 में से 2 पॉइंट ले लो, 7C2 सर, 7C2 का मतलब मैंने कल भी सॉल्व करना बताया, 7C2 सात को दो बार लिखेंगे कम करके, 7 × 6 नीचे 2 है तो 2 × 1 दो तिया 6 7 तिया 21 क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, देख लेते हैं एक बार 7C2। और आज मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि वॉइस में आज दिक्कत नहीं आएगी, और आएगी तो फिर से मन की आवाज सुनना जैसा कि आप लोगों ने कल सुना था, सेशन में 15 क्वेश्चन किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है, 21 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इंग्लिश की हिंदी में रिपीट करता रहूंगा, किसी भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट को दिक्कत में नहीं आने दूंगा, हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में करने वाला हूं, तो उसके लोग समझे और सुने। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मैन एंड 3 वुमन सो एज टू इंक्लूड एग्जैक्टली 3 मैन, कहना क्या चाह रहा है, आपको 5 मेंबर्स की एक समिति बनानी है, कमिटी का मतलब होगा समिति, तो 5 मेंबर्स की मुझे समिति बनानी है, उन 5 मेंबर में एक चीज फिक्स है, क्या कि 3 आदमी होने चाहिए, बोला गया ना साफ साफ, 5 मेंबर्स में कितने आदमी होने चाहिए, 3 आदमी होने चाहिए, इसका मतलब सर एग्जैक्टली 3 आदमी बोल रहा है, तो 5 में से अगर 3 आदमी है तो बाकी ये 2 क्या होंगी, औरतें होंगी, वुमन होंगी, तो ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो सर मुझे 7, मुझे 5 जो मेंबर्स चुनने हैं वो ऐसे चुनने जिसमें से 3 जो है वो आदमी होंगे और 2 क्या होंगे, औरतें होंगी, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर, 3 आदमी लेने, कितने आदमी हमारे पास, 7, तो 7 में से 3 आदमी लेने, 7C3, 7 में से 3 आदमी लेने कितने तरीके हो सकते हैं, 7C3, 2 औरतों को भी कमेटी में शामिल किया गया है, औरतें हैं कितनी, 3, 3C2, 3 में से 2 औरतों को कमेटी में शामिल किया गया है। अब इसको सोल्व करने के बाद डाटा मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, जहां पर भी आप इस समय सेशन को देख रहे हो, जब भी ये सेशन आपके सामने प्रकट हो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चीजें बैंकिंग में भी आती हैं, थोड़े कम लेवल की आएंगी, पर ये बैंकिंग में भी आप लोगों से पूछा जाएगा। HSC CET में भी TNC के कुछ क्वेश्चन देखे गए थे, लास्ट टाइम आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो इस बार भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, पर फिर भी मेन फोकस हमारा डिफेंस पर है, एनडी एयरफोर्स के आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, 7C3 × 3C2। चलिए बालकों फटाफट सॉल्व करो, 7C3 का मतलब सर 7, 6, 5 डिवाइड में 3, 2, 1 इंटू 3C2 का मतलब 3 × 2 डिवाइड में 2 × 1 ये कैंसिल हो गया, सर ये 3 × 2 = 6 कैंसिल हो गया, 7 × 5 35, 35 × 3 कितना होता है, 30 × 90 5 × 3 = 15 105 आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। तो हम लोग 5 मेंबर्स की कमेटी बनाना चाहते हैं, उस 5 मेंबर्स की कमेटी में सर 3 आदमी होने चाहिए, 2 औरतें होनी चाहिए, तो उसके कितने तरीके पॉसिबल है, उसके 105 तरीके पॉसिबल है, 105। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, 15 क्वेश्चन करेंगे आज भी हम लोग, और जितना जल्दी हो पाएगा उतना अच्छा आप लोगों के लिए, सभी के लिए है। इफ अ पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं किसी भी वर्ड में आपको दिक्कत नहीं आएगी, पॉलीगन का मतलब बहुभुज जिसमें नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा होती है, देखिए जिसमें नंबर ऑफ साइड 3 होती है उसके लिए डेफिनेशन है ट्राइंगल, उसे हम लोग कहते हैं, 4 होती है तो क्वाड्रिलेटरल, 4 से ज्यादा हो जाती है तो वो जनरली पॉलीगन के अंदर शामिल हो जाता है, बहुभुज में आता है। तो बहुभुज ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ डायगनल्स, डायगनल्स होते हैं आपके विकर्ण,
विकर्ण कितने हैं? विकर्ण सर 20 हैं। तो बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या कितनी है? तो एक फॉर्मूला आप सभी मेरे कहने से नोट करेंगे कि किसी भी पॉलीगन में अगर आपको डायगनल्स पता करना हो तो ये फॉर्मूला होता है भाई डायगनल्स का, ये फॉर्मूला होता है डायगनल्स का विकर्णों की संख्या का, एन इंटू एन माइनस थ्री बाय टू, एन इंटू एन माइनस थ्री बाय टू में जो एन है, स्मॉल एन जो है वो है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। नोट कर लें एक बार, स्मॉल एन भुजाओं की संख्या है। देखो आज मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि डिस्टर्बेंस ना हो वॉइस में, कल एक्स्ट्रा टाइम में रिकॉर्ड करने के बावजूद भी वैसे टाइम कम मिलता है, बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, उसमें भी टाइम निकाला फिर भी सेशन आप लोगों तक तरीके से नहीं पहुंच पाया, उसका दुख मुझे ज्यादा होता है, आप लोगों को तो होता ही होता है। एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू डायगनल जो है विकर्णों की संख्या है सर, विकर्णों की संख्या 20 है, 20 इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। अब सबसे बेटर तरीका है कि आप ऑप्शन पुट कर लें इसमें, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर है। पहला ऑप्शन है सर 6, अगर मैं 6 रखता हूं तो 6 इंटू 6 में से 3 गया 3, 6 थी 18, 18 का आधा सर 9 आएगा, हमें तो 20 चाहिए, इसका मतलब 6 तो आंसर है नहीं। 10 रख के देखना एक बार, 10 इंटू 7 70 बटे 2 35 आएगा, ये भी गलत आंसर है, मतलब 6 और 10 के बीच में होना चाहिए क्योंकि 10 से तो 35 आ रहा है, बड़ा आंसर आ रहा है, तो 12 से तो सर और भी बड़ा आंसर आएगा। अब 8 बचा हुआ है, 8 को आंसर होना पड़ेगा क्योंकि चौथा ऑप्शन हमारे पास 8 ही है, तो 8 को जरा चेक करें हम लोग, 8 को चेक करते तो 8 इंटू 8 में से 3 गया 5, 8 पंजे 40, 40 बटे 2 बंधुओं 20 होता है, 20 चेक हो गया। तो मेन इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा कि नंबर ऑफ डायगनल्स जो होता है एन इंटू एन माइनस थ्री बाय टू, इस बात का ध्यान रखना। आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन शायद हो सकता है आ जाए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन पढ़िए एक बार, पढ़ो पहले, व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर्स फॉर्मड विद 0, 1, 2, 3, 4 विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ डिजिट। मतलब कि मेरे पास यहां पर 5 डिजिट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 अंक मेरे पास है, इससे मुझे 5 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की? 5 डिजिट का आपको नंबर चाहिए भाई, और ये नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें एक भी नंबर रिपीट ना हो। मतलब मैंने 0 को काम में लेना है तो 0 को केवल एक ही बार काम में ले सकता हूं, 1 को भी केवल एक ही बार काम में ले सकता हूं, ऐसे 5 अंकों की संख्या कितनी बनेगी? क्वेश्चन आपके हवाले, फटाफट से कमेंट करके बताएं आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है। हाँ जी, तीन, तीन का मतलब बोल रहे हैं सचिन 96 आंसर आएगा, 96 आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। सर मुझे 5 अंकों की संख्या चाहिए, तो मुझे बस इतना से बता दो कॉमन सेंस लगा करके कि जब मैं 5 अंकों की संख्या बनाऊंगा तो शुरुआत में 0 आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआत में अगर मैंने 0 लिख दिया तो हमारे पास केवल 4 डिजिट का नंबर बनेगा, वो हमें चाहिए 5 डिजिट का। तो सर शुरुआत में 0 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, 0 को छोड़कर और कितने नंबर है? 0 को छोड़ करके 4 नंबर और है, तो पहली पोजीशन पर 4 में से कोई भी नंबर आ सकता है। क्या ये बात पचा पा रहे हो आप लोग? पहली पोजीशन पर 4 में से कोई भी डिजिट आ सकता है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके। चलिए ठीक है सर, यहां पर एक नंबर फिक्स हो गया, एक नंबर यहां फिक्स हो गया, 5 में से एक नंबर यहां फिक्स हो चुका है, अब रिपीट तो होना नहीं चाहिए, तो बाकी पोजीशन पर सेकंड पोजीशन पर 4 में से कोई भी नंबर आ सकता है। 2 नंबर फिक्स हो गए, बचे कितने हैं? 3 नंबर। 3 फिक्स हो गए, बचे कितने हैं? 2 नंबर, और यहां कितना बचेगा? 1 बचेगा, जो बच जाएगा वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो टोटल कितने वेज हो चुके हैं, कितने तरीके हो चुके हैं सर? 4 चौक 16 3 48 2 96 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब इन केस अगर ऐसा होता कि सर ये कह देता इफ रिपीटेशन अलाउड, अगर ये हमसे कह दे सर इफ रिपीटेशन अलाउड, तो रिपीटेशन अलाउ करने से नंबर्स बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कम थोड़े ना होंगे, नंबर बढ़ेंगे। अब ये बोल रहा है कि रिपीटेशन अगर मैं अलाउ कर दूं तो आप मुझे बताइए कि कितने 5 अंकों की संख्या बनेगी। तो मैं बता दूंगा भाई, सुनना एक बार, अगर रिपीटेशन ये बंदा अलाउ कर दे तो पहली पोजीशन पे अभी भी नंबर 4 ही आएंगे, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आने का मतलब है वो 4 अंकों की संख्या बनेगी, मुझे अंकों की संख्या चाहिए 5, 5 डिजिट का हमें नंबर चाहिए। बातें सुन पा रहे हैं? कानों के पर्दों तक बातें पहुंच रही है। तो पहली पोजीशन पे केवल 4 नंबर आएंगे, हाँ, अब दूसरी पोजीशन पर 5ों में से कोई भी आ सकता है, 5ों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, एक ही नंबर को कितनी बार भी काम में ले सकते हो। तीसरी पोजीशन पे भी 5ों में से कोई भी नंबर, चौथी पोजीशन पे भी 5 नंबर, पांचवी पोजीशन पे भी 5ों में से कोई भी नंबर आ सकता है। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125 इंटू 4 कितना आएगा?
625 इंटू चार कर लो, 625 इंटू चार 2425 आंसर आ गया। तो 2500 ऐसे नंबर पॉसिबल होंगे अगर रिपीटेशन अलाउ कर दिया। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो देखिए लिमिट कितनी कम है, केवल 96 नंबर पॉसिबल है। तो मुझे लग रहा है जो लोग डिफेंस के बंदे हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इन बातों को समझ पा रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20वां क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेव दैट फोर बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, यहां थ्री आएगा एक ही जगह, फोर बॉयज एंड थ्री गर्ल्स कैन बी सीटेड सो दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। मतलब कि चार लड़के व तीन लड़कियों को मैं कितने तरीकों से बिठा सकता हूं कि लड़के व लड़कियां अल्टरनेट बैठे, मतलब पहला लड़का फिर दूसरी लड़की, इस तरीके से बिठाया जाए। तो देखिए किस तरीके से आप लोग चीजों को अरेंज करेंगे, बातों को समझना है। यहां पर सात लोगों को बिठाना है, एक दो तीन चार पांच छह सात। तो देखिए पहले लड़का बैठेगा, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की और फिर लड़का। चार लड़के हैं तो शुरुआत लड़कों से करनी पड़ेगी। तो अल्टरनेट बैठे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की, कितने तरीके से बैठ सकते हैं? तो सर लड़के जो हैं वो चार हैं, चार लड़कों को मैं किसी भी तरीके से अरेंज कर सकता हूं। तो चार लड़कों को अरेंज करने का तरीका आ जाएगा फैक्टोरियल चार। चारों लड़कों को इधर उधर नहीं घुसा सकते हैं भाई, मैं इससे कह सकता हूं कि तू उधर जा, इसको मैं उधर भेज सकता हूं, इसको उधर ला सकता हूं। तो इस तरीके से चार लड़कों को फैक्टोरियल चार तरीके से घुमाया जा सकता है। तो सर तीन लड़कियों को किस तरीके से आप घुमा सकते हैं? फैक्टोरियल तीन तरीके से, फैक्टोरियल तीन तरीके से, ध्यान रखना भाई, फैक्टोरियल तीन। तो मल्टीप्लाई करना जरा, फैक्टोरियल चार होता है 24, फैक्टोरियल तीन होता है 6, 24 इंटू 6 कितना आएगा 144। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 144 आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बंधु, आ गए मैंने फिर 20 हो गए, पांच क्वेश्चन हो गए हमारे आज के सेशन के, छठा क्वेश्चन और पूरे सेशन का 21 क्वेश्चन। इस पूरे 30 के 30 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जब भी आप सेशन देख रहे होंगे उस समय आपको पीडीएफ मिल चुका होगा। इफ 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 12 आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन देन व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड। ये तो हमने कल भी पढ़ा, ये क्वेश्चन तो हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं कि अगर सर किसी प्लेन में 12 पॉइंट है और उसमें से सात जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में है तो उससे कितने त्रिभुज बनते हैं? त्रिभुज बनाने के लिए, ट्राइंगल बनाने के लिए हमारे पास तीन पॉइंटों की आवश्यकता होती है, तीन पॉइंट चाहिए होते हैं। तो 12 में से मैंने तीन पॉइंट लिए, 12c3, इसमें से माइनस कर देंगे जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, कितने पॉइंट स्ट्रेट लाइन में? 7 पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में है। तो 7c3 क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस हो जाएगा। 7c3 माइनस करने के बाद, कल भी ये क्वेश्चन किया था सेम, 185 क्वेश्चन का आंसर था, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको बिल्कुल याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 करिए, अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन कराए उनमें से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, टाइम दिया मैंने आपको सॉल्व करने के लिए, 22वां क्वेश्चन। और देखो शेयर जरूर करना, मैं ग्रुप में तो सेंड करूंगा चीजों को, शेयर ग्रुप में सेंड कर चुका हूं, आप पहले से ही इस सेशन को देख चुके होंगे, आप वहां से शेयर करें। आपके काम का नहीं है तो क्या हुआ, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके कोई भाई हैं या फिर कोई बहन है जो एनडी की तैयारी कर रही है या कर रहा है, या एयरफोर्स के लिए 12th पास करने के बाद उसका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब में जाना, डिफेंस में जाना, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आप लोगों से रिसेंटली पूछे गए, तो जब ये क्वेश्चंस पूछे गए तो इनको करना भी है जरूरी है, फिर हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। पहले जो आज तक आ चुका है उसके बारे में तो कुछ आइडिया हो, ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको इसको सॉल्व करके बताना है ये नंबर क्या है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 इसका आंसर आएगा, ऑलवेज एन ऑड इंटीजर आएगा या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग भी सॉल्व करें। n प्लस टू का जो फैक्टोरियल है उसको ओपन कैसे करेंगे? n प्लस टू कॉमन लिया, लिया n प्लस टू कॉमन, फिर n प्लस वन भी कॉमन ले लिया, फिर n भी कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा n माइनस वन फैक्टोरियल। मैंने क्या किया, एक एक कम करता गया, n प्लस टू को बाहर लेंगे तो एक कम हो जाएगा n प्लस वन, n प्लस वन को भी बाहर लेंगे तो एक कम हो जाएगा n, n को भी बाहर लेंगे तो एक कम हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल। और प्लस में क्या है? प्लस में सर एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अपॉन में क्या है? अपॉन में है सर एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, यही है क्या? अच्छा एक काम करो सर, ये एन प्लस वन इसके पास भी है, एन प्लस वन इसके पास भी है, एन माइनस वन फैक्टोरियल इसमें भी है, एन माइनस वन फैक्टोरियल इसमें भी है, और नीचे भी एन माइनस वन फैक्टोरियल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? देखिए एन प्लस टू इंटू एन बचेगा, बचेगा एन प्लस टू इंटू एन,
और n प्लस वन और n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये तो कॉमन आके नीचे से कैंसिल हो गया, साइड में बचेगा प्लस का वन, ये बचेगा। इसको अगर हम ओपन करें तो ये आ गया सर n स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, और n स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन ये जो n प्लस वन का होल स्क्वायर, n प्लस वन का होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब अब परफेक्ट स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। अब परफेक्ट स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, केवल फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, एनसीआर एनपीआर को सॉल्व करना, मैंने लास्ट सेशन आपको बताया था, पिछला सेशन भी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, जिन्होंने पिछला सेशन नहीं देखा है, डिफेंस के अंदर एनडी एयरफोर्स के अंदर या फिर आपका टारगेट कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम है बैंक वगैरह का, तो उसमें तो ये पीएनसी भर भर के आप लोगों से पूछा जाता है, और सीईटी के सिलेबस में भी ये चीजें कवर की जा सकती है। तो ये था 22 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे हम लोग 23। आगे मैं सेशन का टाइमिंग आपको बढ़ाऊंगा, लगभग 30-30, 40-40 क्वेश्चन सब लोग एक ही सेशन में करने वाले हैं, अभी स्टार्टिंग है, टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है, पर आगे टाइम निकालेंगे हम लोग आपके लिए। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मदर टेकन 4 एट अ टाइम सो दैट ईच अरेंजमेंट कंटेन्स द लेटर एम। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सर हमारे पास एक शब्द है मदर, मदर शब्द में से मैंने 4 लेटर निकाले, कितने लेटर निकाले, 4 लेटर निकाले, तो उन 4 लेटरों से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें हर एक वर्ड में एम का आना तो फिक्स हो गया, एम तो फिक्स हो गया। तो सर आप सीधे सीधे कहो कि जो आपने 4 लेटर लिए हैं, 4 में से एम तो फिक्स हो गया, बचे कितने लेटर, 3 लेटर और बचे हुए हैं। तो आप ये देखिए ये कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है हमारे पास टोटल, टोटल लेटर है हमारे पास 6, 6 में से सर एक तो फिक्स हो गया एम, जो आपने 6 में से 4 लेटर लेने हैं उनमें से एक तो फिक्स हो गया एम, बचे 3 लेटर, तो 5 में से बाकी के जो 5 लेटर बचे हुए हैं उनमें से कितने लेटर लेने हैं, 3, तो 5P3। तो आपसे पूछा गया है 5P3, अरेंजमेंट पूछ रहा है 5P3 आ गया। उसके अलावा अब सुनिए सर, हमें यहां पर ना 4 वर्ड्स का 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है जिसमें से एक एम फिक्स है, तो सर एम यहां भी आ सकता है, ठीक है, एम जो है वो यहां भी आ सकता है, एम जो है वो यहां भी आ सकता है, और एम कहां आ सकता है, एम आ सकता है सर चौथी पोजीशन पे। इसने कोई एम की पोजीशन थोड़ी ना फिक्स की है, इसने केवल इतना फिक्स किया है कि एक जगह एम आएगा, तो 4 केस बन रहे, 4 केस बन रहे हैं, बाकी के जो 3 है वो 3 किस में से बाहर लिए हमने, 5 में से बाहर लिए, इंटू 4 कर दें आप लोग, 4 केस बन रहे हैं, 4 इंटू 5P3, 6 में से एक लेटर M तो पहले फिक्स हो गया, बाकी के जो 5 लेटर है उनमें से मुझे 3 और सेलेक्ट करने हैं, तो 5P3। सिलेक्शन के लिए हम लोग परम्यूटेशन काम में लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है 240, चलो भी चेक कर लेते हैं, 5P3 का मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 सर 120, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, 20, ये क्या हुआ, अच्छा नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, बिल्कुल सही है, यानी 2 फैक्टोरियल आएगा भाई, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 2 से कितनी बार, 60 बार, और 60 इंटू 4 कितना आया, 240। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आएगा भाई, अरेंजमेंट जो है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग होंगे, बिल्कुल सही है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक बार देख लेना, एग्जाम में डायरेक्टली अगर आएगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग गलती कर दें इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, फिर से पॉलीगन वाला क्वेश्चन आ गया, बहुभुज वाला। अब पॉलीगन एज 54 डायगोनल्स, किसी बहुभुज में 54 विकर्ण है, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, तो 44 डायगोनल्स 54 विकर्ण आपको दिए हैं, साइड्स कितनी है, तो अभी अभी आपको मैंने फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ डायगोनल्स का, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं भाई, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाय 2, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 54 है। तो एक काम करो सर, n की वैल्यू पुट कर लो ना ऑप्शन से, n की वैल्यू अगर मैं 10 पुट करता हूं तो 10 इंटू 3, 10 में से 3 माइनस होगा 7, 70 बटे 2 35 आएगा, गलत बात, 10 से बहुत कम आ रहा है, 10 से बहुत कम आ रहा है, आंसर नहीं हो सकता 10, 11 रख के देखना एक बार, 11 रखेंगे हम लोग तो 11 में से 3 गया 8, 88/4, 44 आ रहा है, नहीं 11 से भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 12 से आ जाना चाहिए, क्यों 27 तो बहुत बड़ा आंसर हो गया, 12 को चेक कर लेते, 12 इंटू 12 में से 3 गया 9, 12 इंटू 9 108, 108 का आधा कितना आ गया, 54 आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, 12 क्वेश्चन का आंसर आएगा, 12 जो है वो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत समझने में नहीं, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, बड़े आसान से क्वेश्चन है, बड़े आसान तरीके से आप लोग समझ सकते हैं,
कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे. अ टेलीफोन डायल हैज 10 होल्स. ऑन रोटेटिंग द डायल हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 7 डिजिट्स कैन बी डायल्ड इफ रिपीटेशंस आर परमिटेड. रिपीटेशन आपको अलाउ कर रखा है. मेरे पास एक टेलीफोन है जिसमें कितने होल है, 10 होल है. अब मुझे एक नंबर डायल करना है ईच कंसिस्टिंग ऑफ 7 डिजिट. हर एक नंबर में केवल 7 डिजिट है. तो आपसे पूछा गया है कि रिपीटेशन अगर परमिट कर दिया जाए तो ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, बताओ. कितने बन सकते हैं रिपीटेशन का अलाउ है, हैं जी बताओ जल्दी बताओ. 10 होल्स है हमारे पास. ऑन रोटेटिंग द डायल हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 7 डिजिट, 7 डिजिट का है. तो देखो बड़ी अत्ता सोचने वाली क्या बात है. मुझे लगा था इस क्वेश्चन का देख लिया 500 दे दोगे आपको टेलीफोन नंबर डायल. 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट का एक नंबर चाहिए. हमारे पास हर एक डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है, 10. टेलीफोन में कितने होल है आप मुझे बताइए, 10 होल है. 10 में से कोई भी होल पहले डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब कि पहले डिजिट पर 10 में से कोई भी होल आ सकता है. अब उसने क्या कहा कि रिपीटेशन उसने परमिट कर दिया, रिपीटेशन अलाउ कर दिया. तो रिपीटेशन अलाउ कर दिया तो सेकंड डिजिट पर भी 10 में से कोई भी होल आ सकता है. इसी तरीके से तीसरे में भी 10 में से कोई भी आ सकता है. करते करते यहां पर भी 10 में से कोई भी आ सकता है. तो 10 कितनी बार आ रहा है, 7 बार. 10^7 बोल दो ना आंसर. ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया, 10^7. तो बड़ा आंसर है भाई. डिफेंस में भी चीजें आप समझेंगे तो एनडीए एयरफोर्स की मैथ्स कोई ऐसी मैथ्स नहीं है कि जिससे कि आपको बिल्कुल परखच चोड़ जाए, ऐसा नहीं है. आप बातों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हर एक चीज आसान है. कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो 2 और 2 = 4 करने में भी दिक्कतें आती है, ठीक है. तो सब कुछ आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल से किस कॉन्सेप्ट से चीजों को समझा है. अच्छे कॉन्सेप्ट से समझा होगा तो बिल्कुल आनंद आने वाला है. चीजों को रटने की कोशिश करोगे, चीजों को अपने दिमाग पर हैवी कर लोगे कि सर हमें तो ये चीज समझ में नहीं आती है, हमें तो एडवांस मैथ समझ नहीं आता है, हमें तो अर्थमेटिक नहीं आती है, एडवांस मैथ हम लोग क्या करेंगे, सर हम लोग क्वेश्चन करते हैं पर हमें चीजें कम समझ में आती है. तो खुद ही आप अपनी आप को कम आंक रहे हो, खुद का कॉन्फिडेंस आप खुद ही डाउन कर रहे हैं. तो खुद से आप लोग बातें क्या करें, आप खुद कहा करें कि हमें बातें समझ में आएंगी. एक बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने से नहीं आएगी, दो बार पढ़ने से नहीं आएगी, तीसरी बार में तो कुछ बातें समझ में आएंगी. तो जब तक चीजों को आप रिपीट करते हैं, जब तक आप कंफर्टेबल जोन में ना पहुंच जाएं कि हाँ हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो 10^7 आपका आंसर आ गया. अच्छा मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूं, अगर यहां पर रिपीटेशन परमिट नहीं होता, अगर यहां पर लिखा था रिपीटेशन अरेंट परमिट, परमिट नहीं है भाई रिपीटेशन, तो क्या होता. तो सर पहले स्थान पर 10 में से कोई भी नंबर आ सकता था. अब जो पहली पोजिशन पे आ गया वो दूसरी पोजिशन पे नहीं आ सकता, इसका मतलब दूसरी पोजिशन पे आएगा 9, फिर 8. इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते फिर एक विशाल का नंबर आता, उसको फिर ऑप्शंस में भी डाटा आपका बड़ा करके मिलता मल्टीप्लाई करके. पर फिलहाल रिपीटेशन अलाउ है तो 10^7 आपका आ गया. बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 26 देखें एक बार. ये पता करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, सीधे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तुरंत प्रभाव से आप लोग सीधे आंसर टिक कर देंगे. क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द मेजर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन विद एनी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट ईच लाइन कंटेन्स एटलीस्ट 2 ऑफ दिस पॉइंट्स. बताओ कितनी स्ट्रेट लाइन अधिकतम बनाई जा सकती है, किसी भी 4 पॉइंट से जिसमें कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए. तो सर 4C2 आ गया, कैसा क्वेश्चन था. 6 आंसर आ गया भी. ऑप्शन नंबर सी, 4 में से 2 पॉइंट से लाइन बनानी है. एक लाइन वाला क्वेश्चन हमने किया भी था. तो 4 से 2 पॉइंट से लाइन बनानी है, 4C2. नंबर 27 ये पढ़ो भाई. सिग्नल वाला क्वेश्चन तो करने का एकमात्र तरीका है, जो तरीका मैं आपसे डिस्कस अभी करने वाला हूं. व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी सेंट बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकिंग 1 और मोर एट अ टाइम. क्वेश्चन पढ़ लिया, हमारे पास 6 झंडे हैं अलग अलग रंग के. तो अगर मैं एक या एक से ज्यादा झंडे को लेकर के कोई सिग्नल देना चाहूं तो कितने टाइप के सिग्नल दिए जा सकते हैं, कितने टाइप के सिग्नल दिए जा सकते हैं. जब भी ये सिग्नल वाला क्वेश्चन है क्या करना होगा मैं बता दूंगा. अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो बिल्कुल बेसिक से ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे. सुनना हमें क्या कह रहे हट कैसे नहीं सपन. 2^6 - 1 नोट करो बराबर से, 2^6 - 1 1956
1956 की आपको मूवी की बात कर रहा हूं, 1956 की क्या बात कर रहा होता, 1956 कैसे आंसर निकाला, 2 की पावर 6 कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी, ये पहले भागता है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, नोट कर लो बराबर से। अगर 6 की जगह 7 झंडे होते तो 2 की पावर 7 काम में लेते, 8 होते 2 की पावर 8 हम लोग काम में लेंगे। तो नाजुक नाजुक से क्वेश्चन को नाजुक तरीके से सॉल्व करो, थोड़ा टाइट हो गए इन क्वेश्चंस के साथ में तो क्वेश्चन में बिखर जाएगा आपके हाथ से। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women बी फॉर्म्ड फ्रॉम 7 men and 5 women। हमारे पास 7 आदमी 7 कार्यकर्ता है, उसमें से आदमी 7 है, 5 औरतें हैं, तो हमें एक कमेटी बनानी है। जैसे पहले कमेटी हम लोगों ने बनाई थी उससे काम नहीं चला, दूसरी कमेटी हम लोग फिर बना रहे हैं, तो उस कमेटी में 3 आदमी 2 औरतें होनी चाहिए, 3 आदमी 2 औरतें। तो आप मुझे बताइए 3 आदमी कितने आदमियों में से बाहर आएंगे, 7 में से 3 आदमी बाहर लेने हैं, 7C3, 7 में से 3 आदमी बाहर लेने हैं 7C3। अच्छा, उसके बाद 2 औरतें बाहर आनी चाहिए, 5 में से 2 औरतें बाहर आएंगी 5C2। बात आ गई समझ, 7C3 × 5C2 करो सॉल्व। ओके, 7 × 6 × 5 / 3 × 2 × 1 5C2 × 5 × 4 / 2 × 1। ये सब कैलकुलेशन में कैसे कर रहा हूं, ये पिछले सेशन को देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये 5 × 2 = 10 और ये 35 × 10 350 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्यूशन जरूर नोट करना जितने भी लोग नए हैं जो जुड़ रहे हैं, और चीजों को शेयर जरूर करें भाई। आपका एक शेयर किसी सीरियस स्टूडेंट को आपके साथ जोड़ सकता है, वो हमेशा के साथ, हमेशा के लिए वो हमारे साथ जुड़ जाएगा, तो फ्री सेशंस का वो भी फायदा उठाएगा। और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचे, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री दिया जा रहा है, पीडीएफ आपको फ्री मिल रही है, क्लासेस आपको फ्री मिल रही है, तो शेयर करना बनता है भाई। आपके काम का नहीं है तो हो सकता है किसी और के काम का हो, तो आप सभी लोग शेयर करेंगे जब भी सेशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है, 28 के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, 29वां क्वेश्चन पढ़ो, 29वें क्वेश्चन को। बाकी जो भी इस समय लाइव देख रहे हैं सेशन को, वो लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा। चलो क्वेश्चन आपके सामने, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ याद आ रहा है कुछ, महाभारत का टाइम है, स्कूल इंद्रप्रस्थ था, स्कूल का भी नाम इंद्रप्रस्थ है, और महाभारत से क्या रिलेशन है इंद्रप्रस्थ का, महाभारत से क्या रिलेशन है, तो मैं यार महाभारत नहीं पता, बताओ। महाभारत हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्या रिलेशन है महाभारत का इंद्रप्रस्थ से। आप जो भी लोग लाइव देख रहे हो उस समय मुझे कमेंट में बताना इंद्रप्रस्थ का महाभारत से क्या लिंक है, किसी को नहीं पता कुछ, दिल्ली का पुराना नाम, अरे दिल्ली छोड़ यार, मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ, दिल्ली का तो पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था ये तो पता है, महाभारत से क्या लिंक है इंद्रप्रस्थ का, महाभारत नहीं देखी तुमने, रामानंद सागर वाली क्या देखा तुमने, डोरेमोन है, पिकाचू। 29 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंद्रप्रस्थ व्हेन द वोवल्स आर नेवर सेपरेटेड। वोवल्स को कभी भी सेपरेट नहीं करना भाई, मतलब वोवल्स जो है वो एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाता है वोवल्स है कितने, पहले लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर 12 लेटर है, कर लिया मैंने काउंट, 12 लेटर है। वोवल कितने, क्या होते हैं वोवल, वोवल्स क्या होते हैं भाई इंग्लिश में, ये तो पता होगा, ए ई आई ओ और यू, 26 में से 5 जो लेटर होते हैं वोवल्स होते हैं, बाकी के 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ए आई यू वोवल्स है, तो कितने हैं वोवल्स इसमें, एक तो ये रहा आई, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, कितने वोवल्स है, 4 वोवल्स है। तो ये सभी ना कभी भी सेपरेट नहीं होने चाहिए, मतलब कि इनका एक पैकेज बना दो, इन चारों वोवल्स को एक बॉक्स में बंद कर दो, आई ए ए ए, ये एक ही बॉक्स में बंद हो गए, तो ये एक बॉक्स तो ये हो गया, टोटल लेटर्स हमारे पास 12 थे, 12 में से 4 मैंने हटा दिए, बचे कितने 8, बाकी के 8 इस तरीके से आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 जगह पर 8 लेटर आ सकते हैं, और नवा बॉक्स आपका ये आ गया। इन 9 को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, इन 9 की 9 को अरेंज करने के हो गए।
बात समझ में आ रही है? इन नौ को नौ को अरेंज करने के तरीके हो गए फैक्टोरियल नौ तरीके। अच्छा, इन चार को अरेंज करने के तरीके हो गए फैक्टोरियल चार। अब मैं डिवाइड करूंगा उस नंबर से जो नंबर एक से ज्यादा बार आ रहा है। जैसे कि यहां पर ए कितनी बार आया, ए आया सर तीन बार, तो फैक्टोरियल। यहां पर जो कॉन्सोनेंट है उनमें से कोई रिपीट हो रहा है क्या? कौन रिपीट हो रहा है सर? आर आ रहा है दो बार, आर के अलावा कोई और एक से ज्यादा बार नहीं है। तो आर अगर आया तो फैक्टोरियल दो से आप लोग डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा तथास्तु। तो फटाफट से आप लोग सॉल्व करें एक बार और आंसर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 29 का। लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, जो लोग देख पा रहे हैं वो लाइक करें, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर करें। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होना हो, पर जो लोग डिफेंस के स्टूडेंट उन लोगों के लिए बाकी में सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस एनडीए एयरफोर्स के आईयू क्वेश्चंस है जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। लगभग टारगेट है 100 क्वेश्चंस आपको मैं पीएनसी के करा पाऊं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग स्विच करेंगे। बंधु क्या आंसर आ रहा है? सोल्व कर लेते फिर, एक काम करें। हाँ तो सोल्व तो करना ही है, ये बात इतनी लेट कैसे याद आ रही है? फैक्टोरियल चार कितना होता है? 24। फैक्टोरियल तीन होता है 6 और फैक्टोरियल दो होता है 2, 6 दूनी 12, 12 से 24 कितनी बार? दो बार। तो फैक्टोरियल 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मुझे फैक्टोरियल 6 पता है 720 होता है, फैक्टोरियल 6 होता है सर 720। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 7 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 8 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 9 आएगा, और इनटू में 2 और है, बस इसका मल्टीप्लाई करना है और आंसर मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते ही आंसर मिल जाएगा। और ऑप्शन बहुत बड़े बड़े दिए हुए, तो जाहिर सी बात है कि इन सबका मल्टीप्लाई करने पे काफी बड़ा आपको डाटा मिलेगा, पर करना पड़ेगा। जो बाकी के लोग जब तक बैठ करके लाइक शेयर करते रहो। आंसर नहीं आ रहा है अभी तक, आ रहा है? कहां तक पहुंच गया? महावीर चौक। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 720 इंटू 7 8 इंटू 9 इंटू 2। आपका काम मैं आसान कर देता हूं, यहां 9 दूनी 18 आएगा। बाकी छोटी सी कैलकुलेशन और बची हुई है, वो आप पूरी कर सकते हैं। है जी, बी ऑप्शन 72 57 60, 72 57 60 ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चलो आंसर तो आ जाएगा। इस मेथड को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनना। हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है इंद्रप्रस्थ नाम से, इसमें जितने भी वोवल्स हैं वो सभी एक साथ आने चाहिए, उनको सेपरेट मत करो, उनको एक जगह इकट्ठा कर दो। तो ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो मैंने चेक किया कि सर इसमें वोवल है कितने। सर इसमें वोवल्स जो है वो 4 है, 4 वोवल्स हैं इसमें। इन चारों को मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया, आई और ट्रिपल है, ये चारों एक डब्बे में बंद हो गए। टोटल लेटर थे 12, 12 में से 4 को चलो हटा दिया, बचे कितने 8। इन 8ों को तो मैं सेपरेट कर सकता हूं अलग अलग, तो इन 8ों को मैंने सेपरेट किया, 8 तो ये हो गए और नवा ये पूरा की पूरा डब्बा हो गया जो हमने पहले से अलग बना हुआ था। तो 9 चीजों को फैक्टोरियल 9 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अब इस डब्बे के अंदर 4 लेटर है, ये भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो इनको फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। डिवाइड में अगर कोई लेटर एक से ज्यादा बार आया है उसका डिवाइड करना मांगता है भाई। तो यहां पर सर ए जो है वो 3 बार आया तो फैक्टोरियल 3 आ गया। उसके अलावा यहां पर ये जो आर महाराज है ये भी 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया। सॉल्व करने पर आपके सामने आंसर आ चुका है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भाई, वॉइस क्लियर ना हो तो मुझे बताना। एक बंदे ने तो रात को कॉल ही कर दिया था मुझे 10:30 बजे, है ना, नाम तो मैं बता नहीं सकता उसका। 10:30 बजे कॉल कर रहा है, सर आपने पढ़ा नहीं कमेंट, वॉइस सही नहीं आ रही, आप माइक को ठीक करिए। मैंने उससे बोला कि मैं तो समय रजा ही हूं बेटा, ये चल रहा है रिकॉर्डेड चल रहा है ना, आपने पढ़ा नहीं, स्टार्टिंग से सेशन रिकॉर्डेड चल रहा है, मैं समय आराम फरमा रहा हूं। तो कोई बात नहीं, कल के सेशन में कोशिश करेंगे वॉइस में दिक्कत ना है। तो कोई भी इस तरीके से परेशान मत होना भाई, बड़ी मुश्किल से हमें नींद आती है, 10:30 बजे मैं फ्री होता हूं, उसके बाद 11-12 बज जाता सोने में। क्वेश्चन नंबर 30, चलो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर करना होता है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में भावनाओं में मत बहे आप लोग। आप ऑप्शन में चेक करें, देखिए जो फर्स्ट टर्म है एन की वैल्यू अगर मैं 1 रख दू, एन की वैल्यू अगर मैं 1 रख दू तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए ना, क्योंकि सम दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म है सर 1 इंटू फैक्टोरियल 1 आपका 1 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एन की वैल्यू 1 रखने पर डाटा आपको 1 मिलना चाहिए? एन की वैल्यू 1 अगर मैं पहले ऑप्शन में रखूं तो ये तो सर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 2 है, तो ये गलत ऑप्शन है। एन की वैल्यू 1 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 और 1 3, ये तो और भी 1 गुना 1 स्टेप ज्यादा आ जा रहा है।
यहां पर एन की वैल्यू वन रखता हूं तो ये भी दो आंसर देगा, पर यहां अगर मैं एन की वैल्यू वन रखता हूं तो फैक्टोरियल दो माइनस एक, फैक्टोरियल दो का मतलब दो, दो में से एक गया कितना बचा, एक बचा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 30। तो जितने भी लोगों ने सेशन लास्ट तक एंजॉय किया, एंजॉय नहीं भी किया तो सेशन को समझने की कोशिश की, क्योंकि एडवांस लेवल की चीजें हैं ये, मेनली डिफेंस एनडीए एयर फोर्स में आप लोग काम आएगी। इसके अलावा किसी और एग्जाम में जो बच्चा बैठने वाला वो देख रहा है तो वो लोग चीजों को जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, जिस तरीके से आपने पिछले सेशन को लाइक शेयर किया था उसी तरीके से इन चीजों को भी शेयर करें। और डेली टाइम बढ़ाऊंगा मैं आपके सेशन का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे बढ़ाने, मुझे पता है 15 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला आपका टारगेट रहेगा। तो आगे आने वाले सेशन में कोशिश करूंगा मैं लगभग 30 क्वेश्चंस पीएनसी के बेहतरीन वाले आपको सॉल्व करा पाऊं। थैंक यू सो मच।